गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की माने तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए वोट कटवा बन गए हैं। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इसलिए उपचुनाव में कांग्रेस उनको चुनाव से दूर रखेगी। कांग्रेस ही खुद सोचते हैं कि दिग्विजय सिंह के आने से कांग्रेस के वोट कटेंगे। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के चुनावी मुख्यालय बनाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ये कुछ भी कर लें, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, जब परिणाम आएगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस की उपचुनाव की तैयारी पर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा, जनता को जो लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, जनता के जरिए वो लोग कभी वापस नहीं आते। किसान और नौजवान के साथ कांग्रेस ने जो धोखा किया है, उसके बाद ये कभी वापस नहीं आ सकते। मेरा 30 साल का विधानसभा का अनुभव यही कहता है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ की जोड़ी पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह कमलनाथ की कोई जोड़ी नहीं है। दिग्विजय सिंह कहीं मध्य प्रदेश में सभा करते भी दिखाई नहीं देंगे। बचे हुए कांग्रेसी खुद दिग्विजय सिंह को सभा में नहीं बुलाएंगे। सभी कांग्रेसी यही सोचते हैं कि दिग्विजय सिंह के आने से वोट कटेंगे। दिग्विजय सिंह किसी भी सभा में नजर नहीं आएंगे। इसको आप मेरे ख्याल से कुछ मत समझो, ये काफी ज्यादा चल गए हैं अब। और जो लोग धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं जनता से, वो लोग कभी वापस नहीं आए। मेरे अनुभव है, मैं 30 साल से विधानसभा में हूँ। इन्होंने किसान और नौजवान के साथ जो धोखा किया, ये वापस नहीं आ सकते। धोखेबाज लोग, जब लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, घोषणा पत्र है, उसको नहीं इन्होंने पूरा किया। 10 दिन के अंदर 2 लाख, हर नौजवान को 4,000, तो ये मुझे नहीं लगता कि अब सर्वाइव कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सूपड़ा साफ होगा। देखो, एक बात ध्यान रखना कि कोई दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी नहीं है। मेरी बात को, आज वाली को भी आप ध्यान से देखना और सुनना, कहीं सभा करते ही नहीं मिलेंगे दिग्विजय सिंह जी आपको मध्य प्रदेश में। क्योंकि इन लोगों का मानना है, जो बचे हुए कांग्रेसी हैं, कि दिग्विजय सिंह जी के जाने से हमारे वोट कटते हैं, तो इनको चुनाव में ही भाग नहीं लेने देंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।